ऐसे तत्वों का निर्माण होता है जो कि सांपों के द्वारा पहचाना जा सकता है। किंतु यदि हम ये मान लें कि सांप को एक महिला के गर्भवती होने का पता चल जाता है, लेकिन फिर सांप उसे काटता क्यों नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर आज भी नहीं मिल पाया है। लेकिन मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मवेत्र पुराण में एक ऐसी कथा के बारे में बताया गया है जो इसके पीछे के कारण को कुछ हद तक बयां करती है। दरअसल एक बात की बात है कि शिवालय में एक महिला गर्भवती बांछल शिव भक्ति में मंत्र मुग्ध हो तपस्या में लीन थी। तभी उसे दो नागों ने आकर अकारण ही परेशान और दुखी करना शुरू कर दिया। तब उस गर्भवती शिशु ने पूरे नाग वंश को श्राप दे डाला कि आज के बाद कोई भी नाग, नागिन या सर्प, सर्पणी गर्भवती महिला को देखते ही अंधे हो जाएंगे। बस तभी से ये मान्यता प्रचलित है या ये मान्यता चली आ रही है कि कोई भी नाग, नागिन गर्भवती स्त्री को देखते ही दृष्टिहीन हो जाता है। और मित्रों, आप ये जानकर और भी चौंक जाएंगे कि यदि गर्भ शिशु आगे चलकर भी श्री गोगा जी देव, श्री तेजा जी देव, कुंवर बाबा जहर वीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनके अनोखे मंदिर आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। और यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो उसका भी यही कहना है कि गर्भधारण के पश्चात स्त्री में कुछ ऐसे तत्व का निर्माण होता है जो गर्भवती को एक विशेष ऑरा प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप ही उस दौरान एक स्त्री के रंग, रुचि और भाव बदलाव होना आम बात मानी जाती है। और संभवत सांप भी बदलावों का जो होता है वो भाप लेता है और इसलिए वह एक गर्भवती स्त्री को नहीं काटता। लेकिन इसके पुख्ता सबूत आज भी नहीं मिल पाए हैं। यही बात धार्मिक कारणों की, तो धार्मिक पुराण भी ऐसे किसी तत्व की पुष्टि करने में असमर्थ है। जिस कारणवश सांप एक स्त्री को नहीं काटता, इसके और इसलिए इसे एक अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसलिए हर गर्भवती स्त्री को आगाह करते हुए बताते चलें कि इस सभी तथ्यों को ध्यान में रखें और किसी भी सांप के संपर्क में आते ही डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। किंतु कभी भी इस दौरान भूल से भी सांप को मारने की गलती ना करें, क्योंकि धर्मशास्त्रों की माने तो सांपों को मारना सर्वश्रेष्ठ पापों में आता है, अर्थात एक ऐसा महापाप जिसे करने वाले व्यक्ति को अनेकों जन्मों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि जो व्यक्ति सांप को मारता है या उसे किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाता है तो अगले जन्म में उसकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बनाया जाता है, जिसके दुष्परिणाम से तो आप सभी पहले भी वाकिफ होंगे। इसी से जुड़ी एक और धारणा ये भी है कि गर्भवती स्त्री को स्वप्न में भी नाग दिखाई नहीं देते। अब इसमें कितनी सच्चाई है, जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मित्रों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक कहानी और रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना ना भूलें। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक कहानी और जानकारी के साथ। इसी चैनल पर देखते रहिए आपका अपना चैनल दीवा एक शक्ति।